अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 10। आज मैं आपको गेस प्रोवाइड करूंगा कि जो केमिस्ट्री का पेपर होना है 2022 में, उसमें कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले मैं बायो का और कंप्यूटर का गेस प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि बाकी सब्जेक्ट की भी करें। क्लास 9 के तमाम सब्जेक्ट के मैंने आपको गेस प्रोवाइड किए हैं। इंशाल्लाह ताला 100% पेपर इसी गेस से बनेगा। ये मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, हमारे लिए ये किताबें नई नहीं हैं, किताबें चेंज हुई हैं, लेकिन हमें टॉपिक्स पता हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। और ये जो मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये 2022 के एग्ज़ाम के लिए है। नेक्स्ट ईयर ये सिलेबस चेंज हो जाएगा और एक्सपेक्टेड है कि बुक जो क्लास 10 की वो दूसरी आ जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट ईयर आपको उस बुक से गैस प्रोवाइड करेंगे। ये जो गैस है, ये क्लास 10 जो 2022 में एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए। तो मैं, जैसा कि पहले मैंने सब गैस में ऐसे किया है कि जो आपकी बुक के एंड में क्वेश्चन है उसी में इसमें मार्क करा देता हूँ, जहाँ के आपको जो स्कूल्स के पेपर होते हैं उसमें भी आपको आसानी हो जाए कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ढूंढने आसान हो जाए। ये एक पीडीएफ बनाई हुई है किसी और टीचर ने, तो मैंने उनकी पीडीएफ से ही आपको जो है ये शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। उन्होंने काम किया है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसलिए मैं, जिसका भी जो भी क्रेडिट होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको क्रेडिट जाए। तो मैं, ये जो पहला चैप्टर है आपका, ये पुरानी बुक में ये 11वां चैप्टर है, नई बुक में ये फर्स्ट चैप्टर है। किसी के पास अगर न्यू बुक है तो उसमें ये चैप्टर नंबर 1 है, और जो कंबाइंड बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 11 है, हाइड्रोजन एंड वाटर। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से टॉपिक भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मैं आपको इसकी जो एंड में क्वेश्चन हैं उनके अंदर से मार्क बताता हूँ। नीसेंट हाइड्रोजन का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नीसेंट हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई दफ़ा पूछा गया ये वाला क्वेश्चन नीसेंट हाइड्रोजन का। उसके बाद आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बुक के एंड में इनके निशान लगाए हैं। तो ये जो टॉपिक है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये लाजमी आएगा, ये बुक के एंड में भी क्वेश्चन लगे इनके लगे होंगे टॉपिक्स। और उसके बाद इसके अंदर से जो आप आ जाएं इसके वाटर पे, हार्डनेस ऑफ वाटर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्ड वाटर एंड हैवी वाटर, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, हर दफ़ा पूछा जाता है। तो ये आपने बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है। क्लार्क मेथड, ये मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको ये जो उसके बाद है आपका, इसके एंड पे आ जाते हैं क्वेश्चंस में, तो जो इसकी एक्सरसाइज है ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, मैंने पहले बताया था जो एमसीक्यूज होते हैं वो तो इसी के अंदर से आएंगे। इसके बाद डिफाइन आइसोटोप्स, मैंने ऊपर अभी आपको बता दिया कि ये आइसोटोप्स वाला इंपॉर्टेंट है। गिव रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी आपने याद कर लेना है। डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर से भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज नीसेंट हाइड्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द हार्ड वाटर, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ, हाउ टू हार्डनेस ऑफ द वाटर रिमूव, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, ये जो 6A है ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये ट्रू फॉल्स ही है, ठीक है, इसके अलावा नहीं है, और मैंने ऊपर भी आपको बता दिया। इसके अलावा अगला चैप्टर आ गया कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। एलोट्रॉपी एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे। एक तो इसके एक्सरसाइज में चले जाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर मैंने इसके सारे निशान लगाए हैं, और टॉपिक के अंदर भी कुछ जो मुझे टॉपिक लगे हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से ये देख सकते हैं। वाटर गिलास वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वाटर गिलास अगर एंड में नहीं है तो
वाटर गिलास का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, यूजेज ऑफ वाटर गिलास और वाटर गिलास टॉपिक। सिलिका जेल वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिका जेल। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन एंड पे कुछ रह भी गए हों तो मैं आपको इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। एलोट्रॉपी, ठीक है। एक्सप्लेन विद द रीज़न द ग्रेफाइट वाला क्वेश्चन, और कंपेयर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, ये इनके ऊपर नोट है जी, ये मैंने अभी ऊपर आपके बताया है, ठीक है। ये वाटर गिलास, सिलिका जेल, सिलिकॉन और चक्रोल। हाउ डज सिलिकॉन अकर इन नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अंदर देख लें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सबको निशान लगा दिए, ठीक है। उसके बाद है 13 चैप्टर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई दफ़ा पूछे गए हैं। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट इसके एंड पे लेके चलता हूँ। अच्छा, ऑक्साइड्स का क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्साइड्स का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स। ऑक्साइड का क्वेश्चन हर साल आता है और लाजमी पूछा जाएगा, तो इसलिए इसके एंड पे मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। निशान मैंने सारे लगा दिए हैं। इसके अंदर ये जो हैबरबोर प्रोसेस है, कंटैक्ट प्रोसेस और हैबरबोर प्रोसेस, ऑक्सफोर्ड मेथड, ये तो लाजमी आप हर हालत में आने हैं, ये क्वेश्चन तो लाजमी आने हैं, ये आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं, ये लाजमी आने हैं। इसके अंदर से ये जो प्रोसेस हैं वो वाले, और ये ऑक्सफोर्ड मेथड, ऑक्सफोर्ड मेथड, कंटैक्ट प्रोसेस और हाइबरवर्क प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स, इस ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से काफ़ी सारा वेफर बनेगा। ये मैं आपको इसके एक्सरसाइज दिखाता हूँ, इस चैप्टर में से काफ़ी सारा पेपर बनेगा। एक तो एमसीक्यूज भी इसके अंदर ज़्यादा हैं, ये आपने सारे, व्हाट इज अगारिजिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाई हाइबरवर्क प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स का क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्साइड्स, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसके अंदर निशान मैंने लगा दिए हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, इसके अंदर भी मैं अब डायरेक्ट आपको एंड पे लेके चलता हूँ। ये वाला प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉश प्रोसेस, फ्रॉश प्रोसेस। मैंने इसलिए बीच में भी इसको इंडिकेट कर दिया है, वैसे इसके एंड पे क्वेश्चन लगे होंगे। और उसके बाद ये वाला प्रोसेस जो है, ये आपने लाजमी याद कर लेना है, कंटैक्ट प्रोसेस, कंटैक्ट प्रोसेस और फ्रॉश प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करने, इनमें से ये क्वेश्चन लाजमी आएंगे। ये केमिस्ट्री का मैंने एंड पे निशान लगा दिए हैं। अब मैं एंड पे चलता हूँ, आखिरी आखिरी आपकी जो चैप्टर्स हैं, ये क्लोरीन वाला प्रिपरेशन, क्लोरीन प्रिपरेशन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ड्राई सेल वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने एंड पे निशान लगा दिए हैं, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको एंड पे बता देता हूँ। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ठीक है, आपने वहाँ से देख लेना है कि कौन कौन से मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट किया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसी तरीके से आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स की वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, इसी तरह तमाम सब्जेक्ट की मैं जो रह गए हैं आपको वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको गाइड किया जाए। इसलिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपकी हेल्प होती रहेगी और हमको आपको गाइड करेंगे कि आपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर्जन, क्रैकिंग, ये आपने लाजमी याद कर लेने हैं। ये मैंने एंड एंड पे भी निशान लगाए होंगे इसके एंड पे, ये इसकी एक्सरसाइज है उसके अंदर भी, तो उससे पहले भी आप ये क्वेश्चन सारे याद कर लेने आपने। इंशाल्लाह ताला अगर आप ये पूरी तैयारी करते हो तो 100% पेपर इसी में से बनेगा। ये जो जिस पे मैंने निशान लगाए हैं, मैंने कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, और एक्सपीरियंस बेस पे मैंने आपको ये गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह ताला जो पेपर मैंने आपको गाइड किया है, 100% पेपर इसी में से बनेगा। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।